नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के बेनीगंज के अंतर्गत सिकंदरपुर के मजरे मरपाई में 20 वर्षीय एक युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। वही निर्मम हत्या से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। निर्मम हत्या की जानकारी मिलते ही एसपी राजेश द्विवेदी सहित फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक राम कुमार पासी पुत्र अनंत राम फसल में सिंचाई करने के लिए सुबह लगभग 6 बजे घर से निकला था, जहां उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। ग्रामीणों द्वारा निर्मम हत्याकांड की सूचना बेनीगंज पुलिस को दी गई। सूचना पाकर बेनीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस से लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच की जा रही है। उक्त मामले में घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी हरियावा परशुराम सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बेनीगंज इंद्रजीत सिंह चौहान तथा फॉरेंसिक टीम सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं निर्मम हत्याकांड से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। हरदोई से ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला की खास रिपोर्ट। ये थाना बेनीगंज में आज प्रातः एक 20 वर्षीय युवक की डेड बॉडी पाई गई है, जिसको कि धारदार हथियार से हमला करके हत्या की गई है। अभी तक परिजनों ने किसी के ऊपर शंका जाहिर नहीं की है। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके हर पहलू पे जांच करके जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। प्रथम दृष्टया कोई गाँव की रंजिश ही प्रतीत हो रही है, किंतु अन्य बिंदुओं से भी इनकार नहीं किया जाता है। और किन किन अन्य बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है? सभी बिंदुओं पर कर रहे हैं, चूँकि किसी भी शंका जाहिर नहीं की गई है, तो जो भी संभव हो सकता है उस पर नजर। प्रेम प्रसंग को लेकर भी कुछ हो सकता है जी? प्रेम प्रसंग को लेकर भी कुछ हो सकती है? किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। व्यक्तिगत रंजिश भी हो सकती है, प्रेम प्रसंग हो सकता है, कोई पैसे की बात हो सकती है। अभी पुलिस द्वारा हर बिंदु पड़ताल की जा रही है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परमार्थ आवाज।